हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। आज मैं हरे मटर की सब्जी बनाऊंगी, जिसे मैंने मात्र 5 मिनट में बनाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मटर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई गैस पर रखी है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है 1 स्पून। ऑयल से गर्म होने देते हैं। यहाँ हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसमें जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग हम इसमें डाल देते हैं। और ये जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देते हैं और इनको अच्छे से चलाते रहते हैं। ये देखिए, इधर अब हमने लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची ली है। इन्हें दरदरा कूट लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये चारों चीजें अच्छे से कूट गई है। अब हम ये टमाटर जो हमने इसमें डाले थे उसमें हम डाल देते हैं कढ़ाई में, क्योंकि इससे हमारे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर डाल देते हैं हम इसमें, हल्दी डाल देते हैं और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स करते हैं। इधर हमने उबली हुई हरी मटर ली है, अच्छे से चलाते रहते हैं। हमें इसे इतना चलाना होता है कि अब तक हमारे टमाटर ऑयल ना छूने लगे। इसमें अब हम 1 स्पून अप्रॉक्स शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आप अपनी पसंद के अनुसार, अगर आप थोड़ा सा भी मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसमें शक्कर डालें, नहीं तो आप बिना शक्कर के भी ये सब्जी को बना सकते हैं। और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर में से हल्का ऑयल आने लग गया है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। हमने ये मटर का पानी लिया है, मतलब जिस पानी में हमने मटर बॉईल की थी वही पानी हम यूज़ में लेते हैं। इससे हमारी सब्जी में मटर का स्वाद और अच्छा आता है। और इसे अच्छे से हम चलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। ये हमारी उबली हुई मटर है जो हमने बॉईल करके रखी थी, वो इसमें हम डाल देते हैं। और जैसे कि हमारी मटर ऑलरेडी बॉईल है तो हमें ये सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता। और जैसे कि हमने क्या कहते हैं पानी भी उबली हुई मटर का लिया था, तो हम इसमें पानी में भी इतना नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा खदका लेना होता हो। इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब इस सब्जी को अच्छे से बॉईल होने देंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, हमारी ये बॉईल होने आ रही है ये सब्जी। इसे हम मिक्स करते जाते हैं। ये देखिए, हमारी मटर और टमाटर एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं पानी इसमें अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें धनिया पत्ते डाल देते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी हरी मटर की सब्जी बनके तैयार है। इसे अब हम सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।